अफगान घाटी एक ऐसी जगह जिस पर चीन अपना दावा ठोकता है और ये हिस्सा पाकिस्तान के पीओके में है, लेकिन पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो आखिर पीओके में शख्सगांग घाटी पर चीन क्यों अपना दावा ठोकता है, आज हम इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दरअसल जम्मू कश्मीर में खूबसूरत सी जगह है शख्सगांग घाटी। भारत का स्विट्जरलैंड मानी जाने वाली इस घाटी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहा जाता है। शख्सगांग वैली अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में है। इसी घाटी के 5,180 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को पाकिस्तान ने 1963 में एक समझौते के तहत गैर कानूनी तरीके से चीन को दे दिया था। चीन के अवैध कब्जे का विरोध भारत करता रहा है। वहीं हाल ही की बात है कि हाल ही में भारत ने शख्सगांग घाटी में चीन की ओर से सड़क बनाने की कोशिशों का कड़ा विरोध भी किया। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों की सिर्फ एक गलती और पाकिस्तान की चीन से दोस्ती की वजह से शख्सगांग घाटी पर चीन दावा ठोक रहा है, क्योंकि इतिहास के पन्ने बताते हैं कि एक अंग्रेज कैनेथ मैसन की किताब एक्सप्लोरेशन ऑफ द शख्सगांग वैली में लिखा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से मेजर मैसन हिमालयी क्षेत्र का सर्वे करने पहुंचे थे। मैसन ने ही शख्सगांग के बारे में जिक्र किया था जो काराकोरम इलाके में है। उन्होंने बताया था कि इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। काराकोरम नाम वैसे तो तुर्की भाषा का है जिसका मतलब है काले कंकड़ का इलाका। इसके बाद सर मार्टिन कॉनवे ने अपनी किताब क्लाइंबिंग इन द हिमालयाज में भी शख्सगांग वैली के बारे में बताया है। वहीं कर्नल वुड ने इस इलाके के बारे में बताया है कि यहाँ पर ईस्टर्न काराकोरम और अपर यारकंद वैली है। इसके बाद अंग्रेज एक्सप्लोरर विलियम मोरक्रॉफ्ट ने 1820 से 1822 तक पूरे लेह का दौरा किया था जिसमें उन्होंने शख्सगांग को भारत का हिस्सा बताया था। और इसी हिस्से में ड्रैगन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तो आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर रहा है और दूसरा भारत जैसे देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है और चीन भविष्य में होने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। शख्सगांग घाटी का वही रास्ता है जहां से चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच सकता है, साथ ही अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है जिसके जरिए वो भारत को भी घेर सकता है। द फॉरगॉटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के लेखक सुजन आर चिनॉय लिखते हैं कि चीन ने काराकोरम इलाके में अपनी पैठ 1750 के दशक से ही जमानी शुरू कर दी थी। उस समय चीन में क्विंग साम्राज्य के चौथे राजा यान लॉन्ग थे। तब चीन ने यह दावा किया था कि पामीर के पठार से सटे कुनलुन रेंज से गुजरने वाला काकाकोरम दर्रे के पूर्वी हिस्से को मनचाओ साम्राज्य ने 1959 में ही शामिल कर लिया था। उस वक्त चीन के ऐतिहासिक नक्शे में यारकंद के निचले हिस्से और शख्सगांग से निकलने वाली नदियों को ही दर्शाया गया था। 1890 के पहले दशक तक शख्सगांग वैली को लेकर चीन ने कोई दावा नहीं किया था और ना ही शिनजियांग प्रांत के हिस्से में अक्साई चीन को ही दिखाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेज एक्सप्लोरर विलियम मोरक्रॉफ्ट, ब्रिटिश डिप्लोमेट नेई इलियास और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर फ्रांसिस ई यंग हस्बैंड ने पूरे हिमालय क्षेत्र की यात्राएं की। उन्होंने 1889 और 1880 में काराकोरम से लेकर तिब्बत और मध्य एशिया तक यात्राएं की थी। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान लिखा कि 1890 में हुंजा, जिसे कंजूत भी कहा जाता है, एक स्वतंत्र राज्य था। उस वक्त पहली बार चीन ने हुंजा के मीर इलाके पर अपना दावा किया। चीन ने 1865 में कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह के बनाए किले शाही दुल्लाह पर अपना कब्जा जमा लिया। ये किला काराकश नदी और रस्कम नदी के बीच स्थित था। मीर हुंजा में किर्गिज, ईरानी और तुरानी मूल के लोग खेती किया करते थे और चीन के अफसर रस्कम और शख्सगांग वैली में रहने वाले लोगों से जबरन टैक्स वसूला करते थे। धीरे धीरे हुंजा पर चीन अपना अधिकार जताने लगा। 1891 में महाराणा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की मदद से मीर को हराकर हुंजा को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। बस यहीं पर अंग्रेज चीन की चाल को समझने में चूक गए। उस समय रूस पूरी दुनिया में आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा था। भारत की ब्रिटिश सरकार को भी ये लगा कि कहीं रूस उनके भारतीय उपनिवेश पर कब्जा ना कर ले। ऐसे में उन्होंने चीन को कुनलुन और काकाकोरम माउंटेन रेंज के बीच पांव पसारने का न्योता दे दिया।
अंग्रेजों ने चीन को तो एक किराएदार की तरह बुलाया था, मगर वो धीरे धीरे ट्रांस काराकोरम इलाके का खुद को मालिक बना बैठा। ये इनपुट ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के पास पहुंचा तो उन्होंने लिखा, अगर हम चीन को उस इलाके में मजबूत बनाते हैं तो एक दिन वे काशगर यारकंद इलाके में भी पूरा कब्जा कर लेगा। यहाँ तक कि कश्मीर के महाराजा ने जब चीनियों के शाहिदुल्ला किले को ढहाने की शिकायत की तो अंग्रेजों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और अक्टूबर 1892 में चीन ने काराकोरम दर्रे के पास एक बॉर्डर पिलर लगा दिया। रस्कम वैली में चीन की मौजूदगी अंग्रेजों की गलत नीतियों का नतीजा रही। हालांकि इसके बाद भी भारत की आज़ादी के बाद शक्षगाम वैली पर चीन ने कभी दावा नहीं किया था। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान के साथ हुए काकाकोरम ट्रैक्ट समझौते से चीन ने रस्कम पर कब्जा कर लिया और शक्षगाम इलाके पर भी अपना दावा ठोकने लगा। 23 जनवरी 1959 को चीनी प्रधानमंत्री चाउ एनलियाई ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में जम्मू कश्मीर के फ्रंटियर्स इलाके में अपने दावे की बात की थी। 1953 में चीनी सेनाओं ने पूर्वी हुंजा इलाके से घुसपैठ करनी शुरू कर दी। एक किताब रिविजिटिंग चाइनास कश्मीर पॉलिसी में 1962 में युद्ध से चीन और भारत के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे ये बात कही गई। ऐसे में 1989 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का ऐतिहासिक दौरा किया। उनकी संबंध सुधारने की कोशिशों के आगे चीन भी नतमस्तक हो गया। इस दौरे के बाद से ही चीन ने भारत और चीन के बीच आर्थिक सुधार शुरू कर दिए। उन्होंने चीन के अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारने की वकालत की। कश्मीर मसले पर चीन ने एक बार फिर यह माना कि मुद्दा महज दो देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का है। 1963 के समझौते का अनुच्छेद 6 कहता है कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच का ही है। इसी समझौते के अनुच्छेद 2 के तहत चीन ने इस इलाके में अपने दखल को बढ़ाया। 1948 से पहले जम्मू और कश्मीर का पीओके भारत का हिस्सा था। 1948 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है। 1963 के सीमा समझौते में शक्षगाम इलाके को चीन को देने के पीछे पाकिस्तान की दलील थी कि इससे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत होगी। पाकिस्तान का कहना था कि ऐतिहासिक रूप से इस इलाके में कभी इंटरनेशनल बॉर्डर तय ही नहीं था, ऐसे में जमीन को चीन के हवाले करने से पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये पाकिस्तान का कहना था। भारत के मुताबिक शक्षगाम का ये पूरा इलाका भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न हिस्सा है। फिलहाल पाकिस्तान और चीन बिल्कुल नहीं चाहते कि पीओके भारत का हो जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान वाले कब्जे में मौजूद पीओके हिंदुस्तान में शामिल हो जाता है तो सबसे पहले चीन और पाकिस्तान जो अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पीओके के भारत में शामिल होते ही जमीनी नक्शे पर चीन और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं, दोनों के बीचों बीच हिंदुस्तान जा खड़ा होगा। मतलब अभी तक पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के भारत में मिलते ही पाकिस्तान चीन लैंड रूट यानी जमीनी तौर पर एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। चीन और पाकिस्तान जब भी एक दूसरे की ओर नजर उठाकर देखेंगे तब तब उन दोनों देशों को अपने बीच में हिमालय पर्वत सा अड़िग डटा हिंदुस्तान दिखाई पड़ने लगेगा। इस बदलाव के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाला व्यापार भी सीधे सीधे विपरीत असर डालेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच अधिकांश व्यापार के लिए सड़क मार्ग पीओके के बीच से ही होकर निकलता है। चीन का सीपैक प्रोजेक्ट भी ऐसा होने से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक भी पाक अधिकृत कश्मीर के बीच से ही होकर गुजर रहा है। पीओके अगर हिंदुस्तान की हदों में सिमट आएगा तो चीन के लिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक भी बीच में लटक जाएगा। इससे न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी भारी आर्थिक नुकसान होगा। ऐसे में पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए चीन के पास एक हद तक समुद्री रास्ता ही बचेगा जो चीन के लिए बेहद लंबा और खर्चीला साबित होगा। मतलब हिंदुस्तान की हदों में पीओके के आते ही पाकिस्तान को उतना नुकसान होगा जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती और भौगोलिक रूप से चीन की कमर भी टूट जाएगी। यही वजह है कि चीन पीओके के किसी भी हिस्से को भारत में नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वो बार बार पाकिस्तान की मदद करता है। और यही वजह रही है कि शक्षगाम वैली को भी चीन अपना बताता है और जानबूझकर ही पाकिस्तान से चीन ने इस हिस्से को लिया है जो इस वक्त पीओके में है, ताकि भारत चीन के मंसूबों पर पानी ना फेर दे। लेकिन चीन कितनी भी चालाकी कर ले,
जो भारत का है वो भारत का ही रहेगा, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो गवाही दे रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि पूरा पीओके भारत का हिस्सा है और पीओके में शख्सगाम वैली भी भारत का ही है। फिलहाल ये इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।